इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम पेमेंट वाउचर्स में टैक्स डिटेल्स के साथ एंट्री कैसे कर सकते हैं। तो आपको जरूरत रहे तो उसे एप्लीकेबल कीजिए, नहीं तो मत एप्लीकेबल कीजिए। सो यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर्स में हम जाते हैं और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं पेमेंट। अगर कुछ भी हो तो आपको यहाँ से पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है। कॉन्फिगर में जाएंगे, यहाँ पर F12 में नीचे कॉन्फिगर में जाने के बाद में फिर से F12 फॉर मोर ऑप्शन आ रहा है, दोबारा F12 दबा देंगे और यहाँ से आप देख सकते हैं शो पार्टी डिटेल्स फॉर GST, इसे आप यस कर देंगे, राइट। इसे एक्टिवेट कर लिया और इसे भी आप एंटर करते हुए या फिर कंट्रोल ए दबा करके सेव कर दीजिए। अब इसके बाद में हमें यहाँ पर मान लीजिए कोई एक लेजर क्रिएट करना है, जैसे कि सम कोरियर चार्जेस हो गया एग्जांपल के लिए। तो मैं यहाँ से ऑल्ट सी दबा देता हूँ और मैं क्रिएट कर देता हूँ कोरियर चार्जेस, ठीक है। अब यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं अंडर, यह हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया, तो यहाँ से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम ले सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इस पर टैक्स के साथ आप इसे करना चाहते हैं तो आप इसे एप्लीकेबल रखेंगे और जो नीचे सेट ऑल्टर है उसे आप यस कर देंगे। यस करने के बाद में उसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, क्योंकि एक सर्विस है SSC कोड, इसका अगर आप देना चाहे तो दे सकते हैं। अब नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, एक तरह से मैं इसे दे देता हूँ परचेज टैक्सेबल। सो ये परचेज टैक्सेबल हो गया। इसके बाद में जो भी इसका परसेंटेज है आप यहाँ पे दे दीजिए। सो 5% मैंने दे दिया एग्जांपल के लिए। और ये गुड्स नहीं सर्विस के अंडर आता है, तो अब मैं सर्विस सेलेक्ट कर लेते हैं और इसे सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बन चुका है। इसके बाद में मान लीजिए मैंने 500 रुपीज़ का कुछ मेरे को कुरियर चार्जेस पड़ा, अब एंटर करते ही नीचे क्रेडिट आएगा, वहाँ पर आप डी दबा करके एंटर कर दे, दोबारा डेबिट आ जाएगा। अब इस पर मुझे टैक्सेस लगाने, तो मैं CGST सेलेक्ट करूँगा। लेकिन जैसे आपको सेल्स और परचेज में CGST SGST करते अपने आप आते थे टैक्स रेट्स, वैसे इसमें नहीं आ रहा है। सो आपको खुद से करना पड़ेगा, आप खुद से आप कैलकुलेट करके डालेंगे। उससे अच्छा मैं आपको एक टेक्निक बता देता हूँ। यहाँ से अगर आप ऑल्ट सी सेलेक्ट करते हैं, यानी कि ये जो अमाउंट है इस कॉलम के यहाँ पर रख करके ऑल्ट सी दबाते हैं तो नीचे आपका कैलकुलेटर ऑटोमेटिक खुल जाता है। लेकिन आप बोलेंगे यहाँ पे कंट्रोल एन है शॉर्टकट कैलकुलेटर का, तो फिर आपने ऑल्ट सी क्यों दबाया। ऑल्ट सी से क्या होता है, यहाँ पर आप जो भी कैलकुलेशन करके एंटर करते सीधा वो अमाउंट वापस इसमें आ जाता है। एग्जाम्पल के लिए सो आप ऑल्ट सी कर दिया तो नीचे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सो 500 × 2.5% मैंने यहाँ पे किया है और एंटर कर दिया, तो वो जो 500 का जो 2.5% है वो यहाँ पे आ चुका है। और वापस मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ और इस बार सेलेक्ट कर लेता हूँ SGST। अब SGST का भी सेम ही आप चाहे तो ऐसे डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं या फिर वापस आप देख सकते हैं। इन केस आपको कोई डाउट है तो आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए फॉर एग्जांपल ऑल्ट सी, अब मैं सीधा आपको 5% का दिखाता हूँ एक बार। 500 × 5% जो कि होता है 25, तो 12.5 उसका हमने आधा ले लिया यहाँ पे, राइट। अब नीचे आप डालेंगे कैश है या फिर बैंक से आप दे रहे हैं, तो फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ से कैश ले लेता हूँ। सो कैश मैंने लिया। अब कैश लेते क्योंकि हमने पार्टी डिटेल्स अंदर एक्टिवेट किया था, यहाँ पे पार्टी डिटेल्स दिख रहे हैं। अगर आप रेगुलरली उनसे नहीं लेते तो कुछ भी आप टाइप कर दीजिए, लेकिन अगर आप रेगुलरली लेते हैं तो आपको उसे पार्टी लिस्ट में से सेलेक्ट कर लेना है। सो पार्टी लिस्ट में अगर वो है ही नहीं तो आप यहाँ से उसको क्रिएट कर सकते हैं। सो मैं ऑल्ट सी करता हूँ, अब ABC कुरियर्स कर देता हूँ, ABC कुरियर्स LTD समझ लीजिए, ABC को लिमिटेड। और यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, इनसे मैंने लिया है। और यहाँ पर मैं विद इन स्टेट हैं तो इनका GST नंबर जो भी आप डालना चाहें डाल सकते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गई आपकी एंट्री पूरी। थैंक यू, इस वीडियो में बस इतना ही।